हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केयरवेल मेडिकल सेंटर से आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ FUE टेक्निक के क्या फ़ायदे हैं और क्यों इसको बेस्ट टेक्निक माना जाता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। देखिए, आज से कुछ समय पहले तक, 5 साल पहले तक FUT टेक्निक थी जो इस्तेमाल होती थी, यानी कि फॉलिकुलर यूरिन ट्रांजेक्शन टेक्निक थी जिसको हम इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर हम एक स्ट्रिप, जिसको स्ट्रिप मैथड भी बोला जाता है। इसमें हम एक स्ट्रिप सर के पीछे से लेते थे जो करीब 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप होती थी, उसमें से फिर हम बालों को सेपरेट करते थे। इस टेक्निक को FUT बोला जाता है। इसके ठीक अलग FUE जो टेक्निक है, पॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, इसके अंदर हम एक एक बाल को एक मशीन से निकालते हैं। जो मशीन है, FUE मशीन होती है जो ड्रिल करती है, उन बालों को निकालती है। तो दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों FUE बेहतर है, इस पर आज हम डिस्कस करते हैं। पहली बात हुई, FUE टेक्निक के अंदर हमें कट करना पड़ता है, स्टिच करना पड़ता है, तो इसलिए एक सीधा स्कार लाइन आती है, तो इसमें स्कार हमेशा एक क्रिएट होता है। FUE टेक्निक में हम ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कटिंग नहीं होती है, स्टिचिंग नहीं होती, तो कोई स्कार नहीं आता है। तो ये समझ लीजिए कि FUE इज़ अ स्कारलेस सर्जरी, लिटरली स्पीकिंग, तो उसमें कोई लीनियर स्कार नहीं आता है। तो ये बात एक सबसे बड़ा डिफरेंस, लैंडमार्क डिफरेंस है, कि अगर आप किसी का सर पीछे देखते हैं जिसने ट्रांसप्लांट कराया, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, पूरी लंबी लाइन दिखती है, स्कार दिखता है, तो वो FUT का स्कार होगा। जबकि हम FUE में देखते हैं तो ऐसा कोई स्कार नहीं दिखाई देता है जो एक लीनियर स्कार हो, एक जगह पे स्कार हो। तो ये एक पहला डिफरेंस है जो हमारे में आता है। दूसरी बात, FUT टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम 2-2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम ग्राफ्ट जो हमको मिल सकते हैं वो 2000 से 2500 ग्राफ्ट हैं जो मिल सकते हैं। FUE टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हेयर डेंसिटी अच्छी है, डोनर डेंसिटी अच्छी है, तो हम 3 से 4 हज़ार ग्राफ्ट एक सेटिंग में ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हमको मिलते हैं FUE से, वो लगभग डबल हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी गेट फ्रॉम FUT। तो FUT के अंदर हमें जो ग्राफ्ट मिलते हैं वो कम होते हैं, FUE में हमें उसका डबल नंबर ऑफ ग्राफ्ट, अप टू 4000 ग्राफ्ट हम एक सेटिंग में ले पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जो हमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा मिलते हैं जो पहले हमें नहीं मिल पाते थे। इसके कारण हम आपको ज़्यादा डेंसिटी दे पाते हैं और FUT से ये पॉसिबल नहीं था जो FUE से करते हैं। एक बात और, जब हम FUT करते हैं तो जो नंबर ऑफ हमारे पास जो फॉलिकल्स निकलते हैं हमारे पास, वो सब डबल या ट्रिपल होते हैं, क्योंकि सेफ डोनर जोन में सिर्फ डबल या ट्रिपल फॉलिकल्स ही मिलते हैं। लेकिन जब हम FUE करते हैं तो हम नेप ऑफ द नेक, यानी गर्दन के पास से भी बाल निकाल सकते हैं, तो हमको सिंगल फॉलिकल हेयर भी मिल जाते हैं। तो सिंगल फॉलिकल हेयर से जो फ़ायदा है कि जो फ्रंट हेयर लाइन है हमें क्रिएट करनी है, या क्राउन एरिया है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमको सिंगल फॉलिकल्स ही इस्तेमाल करने होते हैं, तो फ्रंट हेयर लाइन क्रिएट करने के लिए, क्राउन क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे ये सिंगल फॉलिकल्स हमें मिल जाते हैं। FUT में हमें सिंगल फॉलिकल नहीं मिलते हैं, डबल या ट्रिपल फॉलिकल मिलते हैं। उनको अगर हम चाहें सेपरेट करना, तो फिर सेपरेट करके हम अलग कर सकते हैं, सिंगल फॉलिकल के फॉर्मेट में ला सकते हैं, तब उनको हम इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अधिक समय लगता है। FUT टेक्नोलॉजी इज़ स्लोअर, यानी कि वो बहुत धीमी टेक्नोलॉजी है। इसमें पहले ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, फिर ट्रांजेक्ट करने पड़ते हैं, उनको एक एक करके अलग करना पड़ता है, फिर उनको इम्प्लांट करना पड़ता है। तो हम देखते हैं इसमें अधिक समय लगता है कम्पेयर टू FUE। FUE के अंदर अगर आपकी टीम अच्छी है, वेल ट्रेंड है, तो आप उतने ही समय में दुगने नंबर के ग्राफ्ट ले सकते हैं। जितने समय में आप 2000 ग्राफ्ट FUT से निकालेंगे, उतने ही समय में FUE में आप 4000 या 5000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के अंदर आता है, कि स्पीड इज़ मच मोर इन FUE। एक और डिफरेंस जो आता है, FUT सिर्फ बैक ऑफ द हेड से पॉसिबल है, आप शरीर के बाकी हिस्सों से FUT नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब से FUE आया है, देर इज़ अ कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो हम दाढ़ी से बाल ले सकते हैं, पूबिक हेयर से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं, कहीं और से भी बाल ले सकते हैं और लगा सकते हैं। तो डोनर एरिया का हमारा जो एरिया है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है FUE से। FUT में सिर्फ हम पीछे सर से ही बाल ले पाते हैं, कहीं और से बाल नहीं ले पाते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो हमें मिल पाते हैं वो FUE के कारण काफ़ी अधिक हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमको FUE से मिलते हैं। अब FUE के अंदर आए, तो FUE के अंदर अब हम जो बर साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो 0.8-0.7 कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बारीक बर होते हैं, जिससे स्कार ना के बराबर होता है,
और इससे नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारे फ़ायदे हमको FUE के मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू FUT। FUT के अंदर स्कार आता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स लिमिटेड हैं, 2000 से ज़्यादा ग्राफ्ट हम नहीं ले पाते हैं, सिर्फ डोनर एरिया लिमिटेड है, पीछे बैक ऑफ द हेड में बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। FU के अंदर हमारे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 3000-4000 ईजिली हो जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम है, स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, लीनियर स्कार नहीं आता है, ये सब बेनिफिट हमको FUE के अंदर मिलते हैं। और हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहें तो बियर्ड से, चेस्ट से, प्यूबिक हेयर से, कहीं से भी हम बालों को ले सकते हैं। ये सब बेनिफिट्स हमको FUE के अंदर मिलते हैं जो FUT हमें बेनिफिट नहीं दे पाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक्स, ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण हम आज FUE को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और FUT को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। जब डोनर एरिया बहुत ही लिमिटेड है तो हमको FUT और FUE का इस्तेमाल करना चाहिए। तो FUT का रोल आजकल बहुत कम हो गया है, लिमिटेड हो गया है, और FUE आप देख रहे हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है और आज हर कोई FUE को प्रेफर करता है और FUE से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई एम डॉक्टर संदीप वसीम फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड होपिंग टू सी यू इन फ्यूचर।